अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर का फुल रिव्यू शेयर करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो टेक्निकल इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, हमने टॉप पर सेटिंग वाला जो है वो बटन खोल लिया है। अब देखें यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर फर्स्ट में जो आ जाता है वीडियो रेजोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, हमने वीडियो रेजोल्यूशन देखें 1080 साइज़ का रखा हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखें वीडियो क्वालिटी आ जाती है, इसको हमने जो है वो ऑटो पे रखा हुआ है। ठीक है, ऑटो पे करके रखा हुआ है। आप चाहें तो इसकी जो है वो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें एक FPS, ठीक है ना, हमने 30 FPS रखा हुआ है। अगर आप 60 FPS रखेंगे तो आपका फ्रेम रेट का रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा। ठीक है, हमने 30 रखा हुआ है FPS, ताकि ये कि 30 नॉर्मल होता है और ज़्यादातर मोबाइल्स में जो वीडियोस वगैरह बनती हैं वो 30 FPS की बनती हैं। इसके बाद देखें यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग का है, रिकॉर्ड ऑडियो ये हमने ऑन किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसमें लातादाद बेशुमार इसमें ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। इसमें लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, वाटरमार्क का मिल जाएगा। आपने वाटरमार्क इनेबल करना है तो इनेबल कर लें, आपने वाटरमार्क डिसेबल करना है तो आप डिसेबल कर लें। बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। इसमें काउंटिंग का फीचर आपको मिल जाएगा, इसमें हैंड शेक करने का फीचर आपको मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल को अपने हाथ से हिला रहे हैं तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डर की वीडियो को जो आप स्टॉप करते हैं ना, इसे फर्ज करें आपने अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद स्टॉप करना है, तो आप अपनी स्क्रीन पे प्रेस करके रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप अपने मोबाइल को हिलाएंगे सेंसिटिविटी बढ़ाने के बाद, हैंड शेक के थ्रू ना, मतलब हाथ से हिलाएंगे, तो आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो इसकी सेंसिटिविटी हमने बंद की हुई है, फ़िलहाल इसको बंद किया हुआ है, क्योंकि हम अपनी रिकॉर्डिंग वीडियो करने के बाद अपने हाथ से ही उसको बटन दबा के स्टॉप करते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ये। इसके बाद देखिए नीचे ब्रश का ऑप्शन है, आपने ब्रश वाला ऑप्शन ऑन करके रख लें तो उससे आप अपने जो वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट्स को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नीचे काउंटडाउन है, काउंटडाउन आपने जो है वो 3 गिनती तक रखा हुआ है। मैंने जैसे ही मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ तो मेरी 3 तक गिनती जो है काउंटडाउन चलती है। इसके अलावा यहाँ पर देखें स्क्रीनशॉट है, कैमरा है और बहुत सारे टच शॉट है, चीज़ है, थीम है, वाटरमार्क है, बहुत सारे फीचर्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्क्रीन पे सब फीचर्स आपके सामने शो हो रहे हैं, आप इनका बहुत अच्छे से बिल्कुल फ्री यूज़ कर सकते हैं, बहुत स्मूथली यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मोबाइल हैंग नहीं होता, ना स्क्रीन रिकॉर्डर चलते हुए कोई प्रॉब्लम करता है, वॉइस अच्छी रिकॉर्ड होती है। तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके, और इसको आप जो है ये वाले स्क्रीन रिकॉर्डर को, DU स्क्रीन रिकॉर्डर नाम है इसका, ठीक है ना, DU स्क्रीन रिकॉर्डर को आप गूगल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ आपने लिख लेना है DU स्क्रीन रिकॉर्डर APK डाउनलोड, ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर ऑफ कोर्स अपनी YouTube की वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।